Good morning, students. Today we will start a new concept. That is, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल? Social responsibilities towards various parties of the group. तो अब हमने जो social responsibilities पढ़नी है, कल से हम थोड़ा सा एक step आगे के चलेंगे. कल हमने देख लिया था अपनी social responsibility towards their owners and the investors. But जो owners थे, investors थे और अपने employees के लिए भी हमने social responsibilities देख ली थी. आज क्या है, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ड्यूटीज एक बिजनेसमैन की अपने कंज्यूमर के लिए भी बनती है. जो कंज्यूमर हमारे बिजनेस में हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारा बिजनेस चल रहा है, लेकिन अगर वो हमारे बिजनेस से हमसे अलग हो गए तो हमारा बिजनेस फिर अच्छे से रन नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कुल मिला कि हमारी जो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अपने कंज्यूमर के लिए भी बनती हैं. जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीप रेट. तो सबसे पहली जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कस्टमर के लिए बनती है, अपने कंज्यूमर के लिए बनती है जो हमसे हमारा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, वो क्या है कि हम उनको बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड्स बना करके तैयार करके दें और वो भी कैसे रेट पर, चीप रेट पर उनको गुड्स अवेलेबल कराएं. मीन्स ऐसा ना हो कि हमने क्वालिटी बहुत अच्छी अगर गुड्स की करती है तो गुड्स के प्राइस भी हमने इतने हाई फाई कर दिए कि जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं वो प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं कर पा रहे हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, गुड्स की क्वालिटी इतनी बेटर करनी है कि उनको कोई नुकसान ना हो और प्राइस इतने एवरेज रखने हैं जिससे कि वो उनके बजट में रहे, ऐसा ना हो कि उनके बजट से बाहर चले जाए. तो दोनों ही चीजों पर हमें फोकस करना है. फर्स्ट वन इज क्वालिटी एंड द सेकंड वन इज चीप रेट. दोनों ही हमें बहुत अच्छे रखने हैं. अब ऐसा पॉसिबल नहीं है जैसे आप कहें कि बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड्स सस्ता कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता सस्ता, हमने मान लिया, बट वो अफोर्डेबल रेट में तो हो ही सकता है जितना कि वो लोग अफोर्ड कर पाए. ठीक, वो कस्टमर भी बेटा क्या करता है, चीज को परचेज करने से पहले, किसी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले मेजर करता है. जैसे हम लोग शॉप पे जाते हैं किसी पर्टिकुलर पर, हमने पूछा कि सपोज कीजिए हमें ट्राउजर परचेज करना, हमें जींस परचेज करनी है, तो इस जींस के क्या रेट है, उसने बताया 2000 है. हम क्या कहेंगे, नहीं 2000 की तो नहीं है, इतनी तो 1000 में मिलती है, 1500 में मिल जाती है, 1200 में बहुत अच्छी मिल जाती है. तो हम उस चीज को अपने नजरिए से मेजर करने की कोशिश करते हैं जितना हमारा बजट हो सकता है. ठीक, तो वही चीज है. तो कस्टमर की मेजरेबिलिटी, उसके आइडिया को, उसकी फिलोसफी को देखकर समझकर हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट के रेट फिक्स करने चाहिए, अच्छी क्वालिटी का गुड्स ही कस्टमर को अवेलेबल कराना चाहिए. अदरवाइज यू विल लॉस योर कंज्यूमर वेरी क्विकली. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो ड्यूटी हमारे कंज्यूमर के लिए बनती है, डेट इज द रियलिटी इन एडवर्टीजमेंट. रियलिटी इन एडवर्टीजमेंट मीन्स हमें अपने जो एडवर्टीजमेंट हम अपने प्रोडक्ट का शो कर रहे हैं, हमें अपने एडवर्टीजमेंट में क्या शो करनी है, रियलिटी शो करनी है. क्या शो करना है, रियलिटी. रियलिटी मीन्स दैट कि हमें अपना एडवर्टीजमेंट ऐसा दिखाना है, इस तरीके की होर्डिंग और बोर्डिंग बनवाए हम लोग जिससे जो कस्टमर है हमारे, वो कस्टमर हमसे क्या होने चाहिए, अट्रैक्ट होने चाहिए और जैसा हमारा गुड्स है बिल्कुल वही चीज हम अपने एडवर्टीजमेंट में भी शो करें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एडवर्टीजमेंट में तो कुछ और बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा दिया और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल अंदर से बेकार था, उसकी क्वालिटी अंदर से अच्छी नहीं थी. जैसे बहुत सारे जो सेल्समैन है वो क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन है, अपने जो सपोज कीजिए रिफाइंड ऑयल वगैरह बना रहे हैं, दिस इज अ रिच ऑफ विटामिन और इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है, मिलावट नहीं है, बहुत सारे इसमें विटामिन जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जो बिजनेसमैन है वो अपने अपने प्रोडक्ट में बहुत अच्छी क्वालिटी सिखाते हैं, बट जब हम उसको परचेज करके लाते हैं, यूज करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा फ्रॉड है और इसमें तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है इस पर्टिकुलर ऑयल को यूज करने से. तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, हमें अपने एडवर्टीजमेंट में जैसा प्रोडक्ट है उसकी रियलिटी वैसी ही शो करनी चाहिए. जैसे आप लोग मोस्ट ऑफ देखते हैं शैम्पूज देखते हैं, हम लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में ऐसा बहुत ज्यादा दिखाया जाता है कि आपने क्रीम लगाई, हल्का सा जो मार्क था वो एकदम साफ हो गया, रिमूव हो गया, निशान सारे चले गए आपके, जो मार्क थे आपके फेस पर, जो आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था, हेयर फॉल आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे सपोज कीजिए, और आपने शैम्पू यूज किया वो सारे रुक गए एकदम. तो ये सब चीजें क्या दिखाई जाती है, बहुत ज्यादा रियलिटी से दूर होती है, बहुत ज्यादा फेक दिखाया जाता है एडवर्टीजमेंट में, जो नहीं होना चाहिए.
एडवर्टीजमेंट में हमें रियलिटी दिखानी चाहिए जैसा हमारा प्रोडक्ट है। हम उसमें रियलिटी शो करेंगे तो कस्टमर अपने आप हमसे धीरे 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 जुड़ते हुए आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड अडल्टेशन। हमें अपने प्रोडक्ट में क्या करना चाहिए, कुछ अडल्टेशन को अवॉइड करना चाहिए। मींस जैसे हम अपने प्रोडक्ट में मिलावट करते हैं, कुछ पर्टिकुलर बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट में क्या करते हैं, मिलावटें बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, अडल्टेशन करते हैं, उसके थ्रू वो लोग प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, हम लोग बेटा वो पल्सेस परचेज करते हैं, दालें परचेज करते हैं मार्केट में, तो होता क्या है जब हम दालें परचेज करते हैं, आपने देखा होगा उसमें अगर हमने ब्राउन वाली दाल परचेज किया ना, ब्राउन कलर की, तो उसमें जो कंकड़ मिलते हैं ना छोटे छोटे, वो भी ब्राउन कलर के ही होंगे। ठीक, हमने अगर राइस परचेज किए चावल, तो उसमें जो कंकड़ होंगे ना वो व्हाइट कलर के ही होंगे। इस तरह से अगर हमने ब्लैक दाल परचेज किए, जो उड़द की दाल होती है, उसके अंदर जो कंकड़ होंगे वो ब्लैक कलर के ही होंगे। वो ऐसा क्यों है, क्या मिट्टी भी वो करती है, सब मिट्टी भी एक तरीके से मिलावट करती है कि जिस कलर की दाल है उसी कलर के कंकड़ से मिलेंगे? नहीं, वो सब जानबूझ के मिलाए जाते हैं वेट गेन करने के लिए और दाल का वेट कम करने, ऐसा होता है। तो हमें ये इस तरह की जो मिलावटें हैं, अडल्टेशन है, उन सबसे बचना चाहिए। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स ऐसे बनने लगे हैं जिसमें अडल्टेशन होती है। जैसे आजकल स्वीट्स देख लीजिए, दूध मार्केट में आता है, मिल्क, क्या इतना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है बाय द एनिमल्स जितना मार्केट में फेस्टिवल्स पे यूज किया जाता है, शिवरात्रि पे चढ़ाया जाता है, वो सब कैसा बनता है, फेक अडल्टेशन मिलावट करके बनाया जाता है। जो मिल्क पाउडर होता है, मिल्क पाउडर से बनाया जाता है, या फिर कह लीजिए सरफ वगैरह, कस्टर्ड वगैरह, ये सब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स वो लोग यूज करते हैं जिसके थ्रू वो लोग मिल्क बनाते हैं। इसलिए कहते हैं फेस्टिवल्स पे, दिवाली वगैरह पे हमें स्वीट्स, जो मिल्क से बनी हुई स्वीट्स हैं, उन्हें नहीं परचेज करना चाहिए, बहुत कम उनको परचेज करें। हम लोग अपनी हेल्थ की जो सेफ्टी है वो हमारे हाथ में ही है, तो ऐसा होता है। तो हमें उसको क्या करना चाहिए, बिजनेसमैन को यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जा रही है फॉर द कंज्यूमर्स, दैट यू शुड अवॉइड द अडल्टेशन। आपको अडल्टेशन अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अडल्टेशन को अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे, तो आप जो है अपने कंज्यूमर्स को अपने आप से जोड़े रखेंगे और आप गवर्नमेंट के रेगुलेशन से भी बचे रहेंगे। गवर्नमेंट आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेगी अगर आप कोई अडल्टेशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अडल्टेशन करते हैं तो गवर्नमेंट भी आपके काम में फिर क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। ये हमने किसने पढ़ा था, केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर सेल सर्विसेज। मीन्स दैट कि हमें जो अपना प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया हमने बहुत अच्छे से, अच्छी क्वालिटी का बनाया, कस्टमर को सेल किया। कस्टमर को सेल करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम कस्टमर को उसके हाल पे छोड़ दें। कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी देनी होती हैं। प्रोडक्ट को सेल करने के बाद हम उन्हें कुछ ऐसी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को अवेलेबल कराए जिससे कि हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद हमसे सेटिस्फाई रहे कि भाई हमने उस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट लिया था। और अगर आज भी कोई कंप्लेंट होती है तो तुरंत वो अपने सेल्समैन को या अपने रिपेयर वाले पर्सन को हमारे पास भेजते हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए। जैसे मोस्ट ऑफ हम लोग, हमने सपोज कीजिए अपने घर में गीजर लगवाया, वॉशिंग मशीन परचेज की, टीवी परचेज की, हमने एलसीडी परचेज किए कहीं पर, तो हम लोग जिस पर्टिकुलर शोरूम से हमने परचेज किया है वहां पर अगर हम कंप्लेंट लिखवाए तो वो हमें क्या देते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर वहां की आफ्टर सेल सर्विसेज से हमने इतना कॉस्टली प्रोडक्ट परचेज किया है तो क्या होता है, अगर अच्छी सर्विसेज वो लोग हमें दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम क्या को सोचेंगे कि नहीं जी हमें माइक्रोमैक्स का ना लेकर हमें सोनी का ही टीवी लेना है, या हमें सोनी के ही प्रोडक्ट परचेस करना है, इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, या हमें वीडियोकॉन का ही लेना है, या हमें एलजी का ही लेना है। उसके कस्टमर को उस पर ट्रस्ट होता चला जाता है और हम उसके प्रोडक्ट ही परचेस करना चाहते हैं। सो दैट्स वाई अपने कस्टमर का ट्रस्ट अपने आप से मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि हम उनको प्रोडक्ट सेल आउट होने के बाद भी अपने प्रोडक्ट कस्टमर को छोड़े ना, उसको पकड़े रखें मार्केट में और उसको बहुत अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराएं। जितनी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस होगी वो कस्टमर उतना ही ज्यादा हमारे लिए विश्वसनीय बनेगा और हम उस कस्टमर के लिए रिलायबल हो जाएंगे। दूसरी बात, वो पर्टिकुलर कस्टमर मार्केट में है, सोसाइटी में है, वो 50 लोगों को और बताएगा, व्यूज फैलते हैं, मतलब व्यूज नहीं है, वो 50 जनों में बैठेगा, 4 लोगों से बातें करेगा, अरे नहीं सोनी नहीं एलजी अच्छा है, तो इस तरीके से व्यूज लोगों के जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नियरेस्ट पॉइंट। नियरेस्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है,
जैसे सपोज कीजिए कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, तो हमें ऐसा नहीं है कि अगर हम कलकत्ता में हमारी कंपनी स्टैब्लिश है तो अपना जो हम प्रोडक्ट है हम कलकत्ता में ही सेल आउट कर रहे हैं और किसी को भी चाहिए ऑल ओवर इंडिया वो कलकत्ता आकर परचेज करे। क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई आप ही का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए वहां पर स्पेशल क्यों आएगा? आपको अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक अवेलेबल कराना है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम कस्टमर की नियरेस्ट प्लेस तक उसको अवेलेबल करा के दें, जो भी नियरेस्ट प्लेस कस्टमर के आसपास है। जैसे सपोज कीजिए हम अपने गली मोहल्ले की शॉप में जाते हैं, जो हमारी कॉलोनी में शॉप होती है रिटेल की शॉप, तो वहां पे हमें डेली यूज के अपने सारे सामान मिल जाते हैं। जो आप बिस्किट का पैकेट मांगेंगे, जो आप पर्टिकुलर टॉफी मांगते हैं, जो आप शैम्पू मांगते हैं, आप ब्रेड मिल्क बटर ये सब जो भी चीजें हम मांगते हैं वो सारी चीजें वहां पर अवेलेबल रहती हैं। वो क्या है कि वो हमारा नियरेस्ट पॉइंट है, हमारे घर के पास जो सबसे पास नियरेस्ट रिटेल की शॉप है। इस तरीके से हमें अपने गुड्स को अवेलेबल कराना चाहिए कस्टमर के, जितना नियर हो सकता है उतना नियर हम उसको अवेलेबल कराएं। अब ये मैकडोनल्ड्स वगैरह हैं या ये कह लीजिए वोडाफोन स्टोर है, वुडलैंड के स्टोर है, डोमिनोज हैं, ये दिल्ली में थे, सब दिल्ली मेरठ गाजियाबाद जाते हैं डोमिनोज में खा सकते थे, बट ये हापुड़ में स्पेशल क्यों खुले? क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी सर्विसेज को सभी जितने भी कस्टमर्स हैं उनके नियरेस्ट पॉइंट जितना पास उनके हो सकता है उतने पास तक उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएं। इससे कस्टमर के लिए हम क्या बन जाते हैं, एक रिलायबल पर्सन बन जाते हैं और कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खुद परचेज करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू बी सिविल एंड पोलाइट। अपने कस्टमर के साथ हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए? सिविल होना चाहिए। वी शुड बी सिविल विद देम, सभ्य थोड़ा सा हम रहे, और वी शुड बी पोलाइट, थोड़ा सा पोलाइट बिहेवियर हमारा होना चाहिए अपने कस्टमर के लिए। हम उनसे बहुत ज्यादा रूडली बात ना करें, इवन बहुत ज्यादा क्या, हमें उनसे रूडली बात करनी ही नहीं चाहिए, बहुत पोलाइट और सिविल रहना चाहिए हमेशा, और बहुत सिविली बहुत पोलाइटली हमें उनकी सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना चाहिए, सुननी चाहिए उनकी प्रॉब्लम। अगर कोई कस्टमर हमारे पास आया है और अपनी प्रॉब्लम अपने शेयर कर रहा है हमसे, तो उसकी प्रॉब्लम्स को पहले सुन के बहुत पोलाइटली उसे उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड। मैंने यहाँ पे लिखा है मीन्स टू बी ट्रीट योर कस्टमर एज गुड। हमें अपनी कस्टमर को एज अ गॉड भी ट्रीट करना चाहिए। एक बिजनेसमैन के लिए है, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स आर द गॉड फॉर द स्कूल। आप लोग क्या है, एक तरीके से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब किसी भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के लिए गॉड है। अगर स्टूडेंट्स नहीं है तो स्कूल भी नहीं, स्कूल की एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी, आप ये मान के चलिए। सेम ऐसे थे, ऐसे ही किसी भी बिजनेस की एग्जिस्टेंस किसकी वजह से होती है? उसके कस्टमर, उसके कंज्यूमर की वजह से होती है। अगर उसके कस्टमर ही उस तक नहीं पहुंच रहे हैं ठीक किसी भी वजह से, तो आपके बिजनेस की एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगी। आप अपने बिजनेस को सर्वाइव भी नहीं करा पाएंगे। इवन सर्वाइव भी बिजनेस कैसे करेगा? कस्टमर आएगा, आपसे गुड परचेज करेगा, आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, तभी तो आप सर्वाइव करेंगे मार्केट में। जब कस्टमर ही नहीं है तो सर्वाइवल कैसा? यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट योर कस्टमर। So always treat your जो customers just like a god। ये एक moral duty है हमारी, ये एक हमारी responsibility है कि हम अपने consumer को just like a god treat करें और उसी तरीके से civil possible और politely होकर के उससे बात करें, उससे communicate करें। तो इसलिए दोनों point थोड़ा similar से हैं, इस तरीके से हमें उसको just like a god treat करना चाहिए। Next point पर आते हैं। Next and last point is अवॉइड प्रॉफिटियरिंग एंड स्टॉक फिलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीन्स हमें क्या करना चाहिए, अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, जो भी हमारे कस्टमर है, कस्टमर को गुड्स हम सेल करते ही है। मोस्ट ऑफ इट आपने देखा होगा मार्केट में कुछ पर्टिकुलर सेलर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटियरिंग, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। मीन्स एक नॉर्मल प्रॉफिट लेना, सफिशियंट प्रॉफिट लेना बात अलग है। भाई आप भी बिजनेस रन कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं तो प्रॉफिट मोटिव के लिए चला रहे हैं, तो कुछ तो प्रॉफिट आप भी लेंगे ही बीच में मेड में, बट एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेना, कस्टमर को नुकसान पहुंचाना, वो चीज गलत है। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉफिटियरिंग को अवॉइड करना चाहिए और स्टॉक फिलिंग को भी अवॉइड करना चाहिए। दोनों चीजें अलग अलग है। फर्स्ट वन इज प्रॉफिटियरिंग। प्रॉफिटियरिंग क्या कह रहा है? प्रॉफिटियरिंग कह रहा है
कि अगर किसी प्रोडक्ट पे 5 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है जितना सब लोग मार्केट में ले रहे हैं, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट आपने 100 रुपीज का परचेज किया, सब लोग उसे 120 में सेल कर रहे हैं, तो चलता है 20 रुपए का मार्जिन लेकर आप उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं। बट 100 रुपीज का प्रोडक्ट लेकर आप उसको 200 में सेल कर रहे हैं, ठीक, इट इज नॉट द गुड वे, वो गुड वे नहीं है, तो वो क्या आएगा, प्रॉफिटियरिंग में आएगा। तो ये केस जो है वो अलग है, सही। ये तो हो गया सिंपल प्रॉफिट, ये प्रॉफिटियरिंग, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप लोग अर्न करना चाह रहे हैं जो कि गलत है, मार्केट से अलग चल रहा है आप बाकी लोगों से, ठीक। ये तो हो गया प्रॉफिटियरिंग वाला केस। दूसरा है स्टॉक फिलिंग। स्टॉक फिलिंग क्या होता है? स्टॉक फिलिंग मीन्स कि कुछ पर्टिकुलर सेलर क्या करते हैं मार्केट में गुड्स की शॉर्टेज करने के लिए, कि मार्केट में गुड्स की शॉर्टेज हो जाए उसके लिए अपने पास गुड्स को गोडाउन में स्टॉक करके रख लेते हैं और गुड्स को मार्केट में नहीं निकालते, बाहर सेल आउट नहीं करते हैं गुड्स। जैसे मोस्ट ऑफ ऐसा किस में होता है? अनाज मंडी में होता है ऐसा, गेहूं के केस में होता है, चावल के केस में होता है, आलू के केस में ऐसा होता है बहुत ज्यादा, जब आलू महंगा हो जाता है, प्याज महंगी हो जाती है, वेजिटेबल्स के केस में ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि आलू प्याज टमाटर कभी कभी बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, प्याज 100 रुपीज के जी पहुंच जाती है, आलू कभी कभी बहुत महंगा हो जाता है। क्या आलू की शॉर्टेज है हमारे देश में? नहीं, आलू की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। होता क्या है कि जो गुड्स है वो बहुत ज्यादा वेयर हाउसेज हैं, बहुत सारे गोडाउंस हैं, उन सब में वो फिल करके रखा गया है और उसको वहां पर स्टॉक कर लेते हैं, उसको आगे नहीं निकालते, मीन्स रिटेलर्स तक नहीं पहुंचाते हैं। जो होलसेलर्स हैं उस गुड्स को अपने पास स्टॉक करके रख लेते हैं, फिर मार्केट में शॉर्टेज होती है गुड्स की, कमी हो जाती है। जैसे ही शॉर्टेज होगी तो प्राइस अप होते हैं, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, डिमांड एंड सप्लाई। जैसे डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं प्रोडक्ट के। मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है आलू की, प्याज की और टमाटो की, जितनी ज्यादा डिमांड है सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही है, तो क्या कर देते हैं वो एकदम से प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, ठीक। प्याज एकदम से कैसे आ गई 50 रुपीज से कूदते कूदते 60, 70, 80, 90, 100, 120 तक पहुंच गई प्याज। अब जैसे ही प्याज 120 तक पहुंची तो केवल वही लोग उसे परचेस कर पाएंगे जो 120 के प्राइस को अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेट्स वाई उनको डिमांड कंप्लीट करनी थी, अब वो डिमांड कंप्लीट हो गई, किसको? प्राइस बढ़ा के। इस तरीके से क्या करते हैं बहुत सारे सेलर्स, इस गलत तरीके से भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो कि एक बहुत गलत तरीका है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टॉक फिलिंग वी शुड नॉट डू द स्टॉक फिलिंग एट एनी केस, एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही चीजें गलत है, मार्केट में हमारी रेपो भी खराब होती है। तो स्टॉक फिलिंग और प्रॉफिटियरिंग वी शुड नॉट डू दैट। आगे चलते हैं बेटा, ये हमारी कंज्यूमर के लिए कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इस बार नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं बेटा। कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी एक बिजनेसमैन की अपने गवर्नमेंट के लिए भी बनती है, ठीक। गवर्नमेंट हमारे लिए इतने सारे वर्क परफॉर्म करती है, हमारे लिए इतनी सारी एक्टिविटीज करती है, इतनी सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। तो डेट्स वी एक बिजनेसमैन की भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स ए गवर्नमेंट। तो वो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सबसे पहली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि हम गवर्नमेंट को टाइम पर टैक्स पे करें, ठीक। टैक्सेस हमें उससे क्या करने हैं? पे करने हैं। पे टैक्सेस मीन्स टाइमली उनको जितने भी टैक्सेस हमारे पास हैं या जो भी हमारी टैक्सेस पे करने की ड्यूटी बनती है वो सारे टैक्सेस हम उनको टाइम पर पे करें। ये हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी गवर्नमेंट के लिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? ऑब्जर्व रूल्स लेड डाउन बाय गवर्नमेंट फॉर द बिजनेस। मीन्स हम जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, जिस भी टाइप का हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड गवर्नमेंट ने जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं उन सब रूल्स रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से हम अपने माइंड में सेट कर ले, उनको पढ़ें, उन पर फोकस करते रहे और उसी सभी उन सभी रूल्स रेगुलेशंस के क्राइटेरिया के अंदर ही हम अपने बिजनेस को कैरी ऑन करें। अगर हम उन सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं और हम पर कोई क्लेम हो जाता है किसी तरीके का, बाद में हम कहें जी हमें तो ये रूल पता ही नहीं था, दैट इज अ रॉन्ग वे, वो गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑब्जर्व द ऑल रूल्स फ्रेम बाय द गवर्नमेंट।
नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एस्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज. हमें न्यू इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करके, एक बिजनेसमैन ही इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर सकता है. गवर्नमेंट तो करती ही है, बट गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन हो, मीन्स ज्यादा से ज्यादा नए लोग सामने आए और वो जॉब की जगह पर क्या करें, नया बिजनेस एस्टैब्लिश करें. तो वी शुड एस्टैब्लिश न्यू बिजनेस, न्यू इंडस्ट्रीज. बिजनेसमैन को नई इंडस्ट्रीज और ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके, अपने ब्रांचेस को इंक्रीज करके हम गवर्नमेंट की एक तरीके से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराना. बट ये सिर्फ और सिर्फ एक अकेली गवर्नमेंट की ही ड्यूटी नहीं है, जो अदर बिजनेसमैन है जो कैपेबल है वो उस काम को कर सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा न्यू इंडस्ट्रीज वो लोग एस्टैब्लिश करें, और न्यू इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करेंगे तो वहां पे ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होगी. हमारी कंपनी का, हमारी कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, वेस्टेज नहीं होगी. अदर कंट्रीज में नहीं जाएंगे, अपनी कंट्री में ही अपने रिसोर्सेज का हम क्या करें, यूज करें, उसको वहां पे प्रोड्यूस करें, देन फिनिश गुड सेल आउट करें मार्केट में. दैट इज अ गुड वे, वो एक अच्छी चीज है. तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा. तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं. एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट ड्यूटी और बनती है हमें हमारी गवर्नमेंट के लिए, नॉट टू एक्सप्लॉइट गवर्नमेंट मशीनरीज. गवर्नमेंट की जितनी भी मशीनरीज हैं, गवर्नमेंट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है. एक्सप्लॉइट नहीं करना मीन्स दैट हमें उनकी वेस्टेज नहीं करनी है किसी भी तरीके से, अनफेयर मीन्स गलत तरीके से उनको एक्सप्लॉइट ना करें. जितनी भी गवर्नमेंट की मशीनरीज, गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है, सपोज कीजिए वाटर है या रिवर्स होती है, नदियां हैं, पॉल्यूशन है या हवा है. हम लोग बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं बिजनेस में, और इंडस्ट्रीज से जितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है उसमें उतना ज्यादा किसी से नहीं होता. तो हमें जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट क्या करने चाहिए, यूज करने चाहिए, इको फ्रेंडली मेथड यूज करने चाहिए फॉर डूइंग फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट. इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को, अपने गवर्नमेंट, अपनी कंट्री को, अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को, रिसोर्सेज को हमें क्या करना है, वेस्टेज होने से बचाना है. गवर्नमेंट की जितनी भी मशीनरी हम लोग यूज कर रहे हैं उसको भी हम अनफेयर तरीके से यूज ना करें, वो सब चीजें रॉन्ग मीन्स में आ जाती हैं. आज के लिए बेटा केवल इतना ही है, आगे हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखेंगे कल की वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.